दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे हमेशा की तरह। मैं देवेंद्र अग्रवाल और एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए। दोस्तों हम अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और सच बताएं कि आप लोग अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये बात देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूँ, उनकी मेहनत पर और उनकी सफलता पर मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों। बट तब भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो निराश होते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि वो अपनी सफलताओं से अभी भी दूर हैं। क्या वो मेहनत उतनी कर रहे हैं जितनी उनको करनी चाहिए, या वो मेहनत तो पूरी कर रहे हैं ये सोच के फिर भी वो सफल नहीं हो रहे, इसके पीछे क्या कारण है? तो आज इसी के लिए एक कहानी सुनेंगे। और सच बताएं कि एक मोटिवेशनल कहानी सुनकर हम इन कहानियों से प्रेरित हो सकते हैं और जीवन में नई आशाएं ला सकते हैं, आशावादी बन सकते हैं और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों सच बताओ तो मैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए ही ऐसी कुछ कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, ताकि मैं अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव होकर काम कर सकूँ और जो मुझे लगे कि मुझे अपने जीवन में करना चाहिए वही चीज़ पर मैं पूरी प्रयास करता हूँ और पूरी मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ मैं सफलतापूर्वक उस चीज़ को पूरा करता हूँ और उसका जो फल है वो मुझे मिलता है। ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर वो कर नहीं पाते सिर्फ दूसरों की वजह से, क्योंकि दूसरे उनको शायद वो करने नहीं देते। तो वजह ही एक स्टोरी है, स्टोरी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों एक घना जंगल में एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद के पेड़ के ऊपर एक चील अपने अंडे देती है और वहीं उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी भी अंडे देती है। चील के कुछ अंडों में से एक अंडा नीचे गिर जाता है और वो मुर्गी के अंडों में जा मिलता है। वो अंडा टूटता है, उसमें से चील निकलती है, चील का बच्चा निकलता है, पर वो बड़ा होता है उस मुर्गी के साथ और मुर्गी की ज़िंदगी जीता है और बाकी बच्चों की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीता है जैसे एक मुर्गा। वो मुर्गों की तरह आवाज़ निकालता है, वो मुर्गों की तरह दाना चुनता है और वो उतना ही उड़ पाता है जितना एक मुर्गा उड़ पाता है। एक दिन वो आसमान में चील को उड़ता हुआ देखकर अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि माँ ये कौन सा पक्षी है जो इतनी शान से आसमान में उड़ रहा है? तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि ये चील है बेटा। उसने बोला क्या माँ, क्या मैं इतनी ऊपर नहीं उड़ सकता है क्या? क्या मुझे भी ऐसा उड़ना है? क्या मैं ऐसा नहीं उड़ पाऊँगा कभी? तो माँ ने बोला नहीं बेटा, तुम मुर्गे हो, तुम कभी ऐसा नहीं उड़ सकते क्योंकि मुर्गे कभी इतनी ऊपर नहीं उड़ते हैं। तो ये सुनकर उस मुर्गे ने ज़िंदगी अपनी मुर्गों की तरह निकाली और एक दिन मुर्गा बन के ही मर गया, जबकि वो था एक चील। दोस्तों ये कहानी मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो कुछ नया करना चाहते हैं, जिनकी सोच बहुत इनोवेटिव है, जो अपने रास्ते खुद बनाना चाहते हैं, पर जब वो दूसरों से डिस्कस करते हैं अपने बारे में तो दूसरे उन रास्तों को गड्ढा खोद देते हैं, वो उनको दिशाहीन कर देते हैं। वो आपकी काबिलियत को पहचानते नहीं है, वो आप में डर एक पैदा कर देते हैं। और होता है कि हम कभी किसी चीज़ को करने के लिए जाते हैं और किसी से डिस्कस करते हैं कि यार ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और वो हमको इतना नेगेटिव कर देते हैं, इतना नेगेटिव कर देते हैं कि वो जो काम है हम उस काम को ही नहीं करते और सच बता तो ज़िंदगी अपने निकाल देते और ये सोच लेते हैं कि हम सफल क्यों नहीं हुए। सच बताऊँ तो आप सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, आपने अपने खुद के डिसीज़न पर भरोसा नहीं किया, आपने दूसरों से हमेशा राय ली अपने डिसीज़न पर लेकर। आप हमेशा दूसरों से पूछते आए हो ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, जबकि वो भी एक इंसान है आपकी तरह। दोस्तों मैं सच बताऊं कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक हो रही है आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए, अपने शक्तियों को पहचानो दोस्तों, क्योंकि आप जो सोचते हो कि मैं अपने लिए करूँ पर अपने डिसीजन को बदल लेते हो क्योंकि दूसरा आपको करने के लिए मना कर देता है। क्या आपको नहीं लगता कि वो भी एक इंसान है आपकी तरह? दोस्तों क्यों आपको जो आपको करना है उसके लिए आपको दूसरों से राय लेने की ज़रूरत है कि आपका अपना कोई डिसीज़न नहीं हो सकता? एक बार अपने दिल से पूछो कि आप क्या करना चाहते हो। आपको पता है कि मोबाइल की ये जो फील्ड है, ये जो मोबाइल इंडस्ट्री है जिसमें मैं काम करता हूँ, जिसमें मैं वर्क करता हूँ, जिसमें मेरा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, ये मेरे लहू में बहता है, ये मेरे खून में बहता है। दोस्तों कुछ इस तरह से आग लगी है कि वो कभी बुझ नहीं सकती और सच बताए तो वो दिन ब दिन और दहकती है। वही आग अपनी इच्छाओं में पैदा करो, बट सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी इच्छा क्या है।
बट अगर आप अपनी इच्छाओं को उन लोगों के सामने रखेंगे जिनके लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपकी इच्छाओं पर पूरा विश्वास है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि अपनी इच्छाओं को पहचानो और उस पर कदम उठाओ, और एक बार इस जीवन में अपने आप को मौका दो साबित कर दिखाने का कि तुम भी कुछ कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं लाते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। देते रहिए देवतन अग्रवाल, एसर टेलीकॉम। थैंक यू वेरी मच।